गाड़ी देख ली, बंगला देख ली, और मालूम पड़े बेटी को कोई इज्जत ना मिले, बेटी को सम्मान ना मिले, मीठे बोल ना मिले, आदर ना मिले, सम्मान ना मिले, और बेटी रोती है तो फिर माँ बाप को रोना पड़ता है। गाय का दान करने से पहले 50 बार विचार करो, क्या इसके घर में गाय बांधने की जगह है तो गौ दान करो। बेटी दान करने से पहले, कन्या दान करने से पहले विचार करो क्या लड़का अच्छा है, मेरी बेटी का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा। ज्यादा गाड़ी बंगला जायदाद नहीं देखना, हमें ये देखना है कि मेरी बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को सत्कार देगा कि नहीं देगा, मेरी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को आदर वचन बोलेगा कि नहीं। और लक्ष्मी पैसा ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दो जो लेकर जाए और बाद में मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में लगा दे। गाय गलत जगह जाती है तो रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, बेटी गलत जगह चली जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है, और लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। रोना गलत जगह पर मत जाना। धन का सही उपयोग, हम तो आप लोगों से यहां तक करते हैं, और एक कथा में नहीं कई कथाओं में कहा, अगर आपने विपले सेवा समिति को अठन्नी भी दी है और तुम्हारा एक रुपया भी हमको भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते, अगर आपका एक रुपया भी विपले सेवा समिति की ओर को गया तो वो धन ऐसा जाना चाहिए, भगवान से ये प्रार्थना कर कर देना कि ये धन जैसे समिति में गया है वैसे एक दिन हम भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आकर देखें कि हमने जो 2 रुपया दिया था वो सही जगह लगा के। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें देखना, अपना धन दिया हुआ सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा वो देखना। जिस बेटी का कन्यादान करा उस बेटी को एकांत में बिठा कर पूछना, पिता एक बाप अपनी माँ अपनी बेटी से पूछे तुझे दुख तो नहीं है ना बाबू, तो सुखी तो है ना बेटा, हमने तो गाड़ी देखा, बंगला देखा, जमीन देखी, पेट्रोल पंप देखा, जायदाद देखी, निवेदन है सब बाद में देखना, पहले जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह कर रहे हो वो तुम्हारी बेटी का आदर करता है कि नहीं करता वो देखो, धन दौलत तो बेटी के पांव की धूल है, मेहनत करेगी कमा लेगी, मेहनत करेंगे कमाएंगे। किसी पिता से पूछो वो अपने बेटे को क्या देता है, तो मैंने कहा पिताजी कहते मैंने अपने बेटों के लिए बहुत कर दिया, 4 फ्लैट कर दिए, गाड़ी कर दी, 2 मकान बना दिए, मैंने अपने बेटों के लिए सब कुछ कर दिया। आप अपने बेटों को जमीन दो मत दो, आप अपने बेटों को कुछ दो मत दो, आप अपने बेटों को संस्कार जरूर दो जिससे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें 2 रोटी दे सके और तुम्हारा आदर कर सके, तुम्हारा सम्मान कर सके। आज भटिंडा की पवित्र भूमि पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा, इस ग्राउंड के चारों तरफ रोड है, इस ग्राउंड के चारों तरफ गेट है, 9-10 गेट इस ग्राउंड के आसपास में बने हुए हैं, और जिस गेट से निकलते हैं उस गेट के आसपास में लोग कोई भंडारा कर रहा, कोई केसर का दूध पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा, कोई चाय पिला रहा, ये माता पिता का संस्कार इसको मिला होगा तो इसने अपने धन का सही उपयोग करा, धन का सदुपयोग करा कि इतने सारे शिव भक्त आए हैं, कब अपने भटिंडा में आएंगे, कम से कम आज मुझे सेवा का मौका मिला है, मेरा धन आज काम आ रहा है, ये देख लेना। जोड़ जोड़ के आखिरी में भर कर बहुत जोड़ा छोड़ा, एकदम सहज रहो, सरल, बहुत ज्यादा वीआईपी मत बनना, बहुत ज्यादा प्रूडेंट नहीं बनना, एकदम सरल। एक होता है 2000 का नोट और एक होता है 1 का सिक्का, सिक्का आज तक बंद नहीं हुआ, 2000 का नोट बंद, चिल्लर जैसे रहो, चिल्लर देखी है, अरे बोलो तो जम के जी गुरु जी। चिल्लर जन्म से लेके मरे तक चिल्लर काम आती है, जन्म से मरे तक चिल्लर काम आती है, पान की दुकान से शोरूम तक चिल्लर काम आती है,
2000 का नोट तो किसी किसी के पास होता था, और इतना वीआईपी नोट था, बैंक से निकला था, वापिस बैंक में चले गया, कहीं तो देख ही नहीं पाए। इतने वीआईपी मत बनना कि तुमको कोई देख ना पाए, इतने वीआईपी मत बनना कि जेब में पड़े रहो, इतने वीआईपी मत बनना कि बैग में बंद की बंद रहो, इतने वीआईपी मत बनना बैंक से निकले वापिस बैंक में गए। चिल्लर चिल्लर जैसे एकदम कहीं पर नहीं मिल जाए।